भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के बड़े समीकरण सामने आए। इन बड़े कारनामों को अंजाम दे सेमीफाइनलिस्ट बनेगी भारतीय टीम। हाँ, अगर हम बात करें भारतीय टीम के ग्रुप की, जो आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय टीम का ग्रुप ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा था। वहां पर ऑस्ट्रेलिया मौजूद थी, न्यूजीलैंड मौजूद थी, भारतीय टीम मौजूद थी, और इन पिचों को देखकर श्रीलंका को भी एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था। हालांकि श्रीलंका का ऑन द एक्सपेक्टेड नोट प्रदर्शन नहीं आया, लेकिन अब पेच भारतीय टीम के ग्रुप में फंसा हुआ है और बहुत ही पेचीदा मामला हो चला है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज भिड़ेगी और उनको हर हाल में हर एक कीमत पर जीत हासिल करना है। लेकिन क्या कुछ सिनारियो, क्या हार मिलने के बावजूद भी भारतीय टीम पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, और न्यूजीलैंड कैसे पहुंचेगी, किस तरीके से पाकिस्तान को उनको हराना है, किसका राह आसान है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और भारतीय टीम के पहुंचने के सारे समीकरण पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि भारतीय टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सिंपल सिनारियोज की, ओवरऑल सिनारियोज की, ऐसा हुआ तो कैसे होगा। तो बात करें, अगर भारत और न्यूजीलैंड दोनों अपने आखिरी मुकाबले जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत तीनों 6 पॉइंट के साथ टाई हो जाएंगे और जिस भी टीम का बेटर नेट रन रेट होगा वो दो टीमें सेमीफाइनल की तरफ अग्रसर हो जाएंगी। दूसरा सिनारियो ये कहता है कि बोथ एंड इंडिया अगर अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है, अगर इंडिया न्यूजीलैंड पहला जीतती है तो 6 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई करेंगे और नेट रन रेट के आधार पर टीम आगे बढ़ेगी, और वहीं अगर इंडिया न्यूजीलैंड दोनों हार जाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी 8-8 पॉइंट लेकर, और वहीं भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो दो टीमें सेमीफाइनल की तरफ बढ़ेंगी। और अगर तीसरा जो सिनारियो है वो बहुत सिंपल है, इंडिया अगर हार गई, न्यूजीलैंड आखिरी जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, वहीं इंडिया जीत गई, न्यूजीलैंड हार गई तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाएंगी, नेट रन रेट का मसला नहीं आने वाला है। तो ये तीन ओवरऑल ब्रॉड सिनारियो है। अब चर्चा होगी कि सबसे कठिन सिनारियो क्या है। तो आपको बताते चलें कि जो सबसे कठिन सिनारियो है वो पहला है और दूसरा है। पहला क्या कहता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों जीत गई। चलिए, दोनों जीत गई तो क्या कुछ होगा। अगर भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम दोनों जीत गई तो कैसे न्यूजीलैंड भारत से आगे आ पाएगा नेट रन रेट में। हालांकि अभी न्यूजीलैंड पीछे है भारतीय टीम से, यह भारतीय टीम के लिए फायदेमंद वाली बात है। अगर पहला सिनेरियो देखते हैं कि पहले भारतीय टीम बैटिंग करती है, न्यूजीलैंड चेज डाउन करके जीतती है, यानी कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करके जीतती है, न्यूजीलैंड चेज करके जीतती है। भारतीय टीम का विनिंग मार्जिन रन्स के मुकाबले में अगर एक रन, सिर्फ एक रन से भारतीय टीम जीतती है तो न्यूजीलैंड को गेंदों में 14 से 16 गेंद शेष रहते हुए जीतना पड़ेगा। अगर भारतीय टीम 10 रनों से ऑस्ट्रेलिया से जीतती है तो 21 से 23 गेंदें शेष रहते हुए पाकिस्तान से जीतना पड़ेगा न्यूजीलैंड को भारतीय टीम से आगे आने में नेट रन रेट में। वहीं 20 रनों से भारतीय टीम जीतती है तो 32 गेंदें शेष रहते हुए न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ जीतना पड़ेगा। अब दूसरा सिनारियो लेते हैं, इंडिया अगर चेज करती है, न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट होता है, यानी कि इंडिया चेज करते हुए जीतती है, उनकी गेंदें शेष रहते हुए जीतते हैं और न्यूजीलैंड रनों के मुकाबले में जीतता है। अगर भारतीय टीम आखिरी गेंद पर जीतती है तो जो मार्जिन चाहिए रनों के मुकाबले में न्यूजीलैंड को 19 से 20 रन से जीतना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। अगर भारतीय टीम 6 गेंद शेष रहते हुए जीतती है तो 27 रनों से जीतना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। 12 गेंद शेष रहते हुए भारतीय टीम जीतती है तो 33 से 34 रनों से जीतना पड़ेगा न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ। अब इंडिया एंड न्यूजीलैंड दोनों बैटिंग करते हैं, पहले दोनों बैटिंग कर रहे हैं, तब का सिनारियो देखिए। भारतीय टीम अगर एक रन से जीतती है तो न्यूजीलैंड को 17 से 18 रन जीतना पड़ेगा, 10 रन से जीतती है तो 27 से 28 रन से, और 20 रन जीतती है तो 37 से 38 रनों से जीतना पड़ेगा। जो आखिरी सिनारियो है वो करा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों चेज करते हैं, तब का सिनारियो। तो भारतीय टीम अगर आखिरी गेंद पर जीतती है तो न्यूजीलैंड को कम से कम 14 से 15 गेंद शेष रहते हुए जीतना पड़ेगा, 6 गेंद शेष रहते हुए जीतती है तो 20 से 21, 12 गेंद शेष रहते हुए जीतती है तो 26 से 27 गेंद शेष रहते हुए न्यूजीलैंड को जीतना पड़ेगा। यानी ये जो भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है, थोड़ा सा एडवांटेज है। ये सुनिश्चित भारतीय टीम को करना होगा कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराएं या दो ओवर पहले जीते, तो उनके लिए थोड़ा सिनारियो आसान हो जाएगा।
फिर न्यूजीलैंड शायद पाकिस्तान के खिलाफ उतनी बड़ी जीत हासिल ना कर पाए। तो यह सबसे कठिन सिनारियो था। इस सिनारियो का हमने एक एक प्रोस्पेक्ट, एक एक पॉसिबिलिटी चर्चा कर ली। ये इंफॉर्मेशन आप ESPN क्रिकेट इन्फो पे पा सकते हैं। ESPN क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट में जो आर्टिकल है उसमें छपा हुआ है, उसमें विस्तृत ढंग से बताया गया है। जो भी चीजें थी मैंने आपको चर्चित ढंग से एकदम विस्तार से तफसील से बता दी। वहीं पाकिस्तान के पहुंचने के बहुत कम सिनारियों हैं, बहुत कम चांसेस हैं। ये हालात हैं कि न्यूजीलैंड कैसे भारतीय टीम से नेट रन रेट के तहत आगे निकल पाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और हाँ, ये भी बताइए भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।